इससे पहले कि मैं और पागल हो जाऊं तो टैची पैक कर और जा यहां से। मैं बोल रहा हूं जा जा। और मुझे ना इस बात का कोई अफसोस नहीं है, और मेरे लिए ना कई बार यही काम ज्यादा आता है। और तू क्या हमारी बातें सुन रही है? मेरी बीजी की बात है, तू टैची पैक कर और निकल यहां से। बीजी बचा लेगी, अब कोई नहीं बचा सकेगा आज तेरे को। तेरे तो सीन के बारे में बताइए, राणा बहुत भड़के हुए हैं, क्या है सीन पूरा? हाँ, क्योंकि उनकी बीवी निम्रत ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि नागवार गुजर रहा है। उसने घर में जो लड़ाइयाँ करवाती हैं जिस टाइप की औरतें, तो कुछ ऐसे ही उसने काम किया है जिसकी वजह से वो बहुत भड़का हुआ है कि मेरे माँ बाप की और बेटों को तुमने अलग करने की कोशिश की, और वो आके उसको डांटने लगता है। और बात बढ़ते बढ़ते इनकी मारपीट तक चली जाती जो कि संजोत को अच्छा नहीं लगता, और संजोत आके फिर अपनी बहू को बचाती और अपने बेटे पे भी गुस्सा होती है। कितना भी बहू अगर कुछ गलत भी करती है तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं होती। तो क्योंकि आप सोचिए ना, अगर यही काम अगर हमारे घर की बेटी करे तो क्या हम लोग उसके साथ ये बिहेव करेंगे? थोड़ा सा गुस्सा करके उसको माफ़ी मांग लेंगे, छोड़ देंगे? तो जब वो माफ़ी मांग रही है तो उसको भी माफ़ कर देना चाहिए। तो बस संजोत कौर उसका साथ दे रही है, तो अब यही सीन हमने फिल्माया, बहुत प्यारा। निमृत ने इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया था घर में, पेपर्स या जो भी हैं उसको ले, उसके बाद भी आप उनका सपोर्ट करेंगे? हाँ, उसके बाद मैंने बताया ना, अगर ये काम हमारे घर बेटी करती है तो क्या हम उसको अपनी बेटी को अपने घर से निकाल देते? नहीं ना। अब बेटे भी कितना गलत काम करते हैं, क्या हम बेटों को अलग कर देते हैं अपने से? नहीं ना। हम फिर भी अब भी संजोत कौर तो है ही ऐसे ममता से भरी हुई, तो चाहे बहू हो चाहे बेटा हो, जो भी गलत होता है वो उसके खिलाफ खड़ी होती है। तो अगर उसने माफ़ी मांग ली तो उसको चांस देना चाहिए। और फिर उस संजोत कौर ने उसकी माँ को वादा किया था कि मैं आपकी बेटी को कोई दुख तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। तो एक तो संजोत को अपना वादा निभाना है, तो अगर वादा निभाना है तो फिर उसको सही तरीके से निभाना है। तो ये कोई तरीका नहीं है ना कि मैं आप बेटे का पक्ष लूँ, जब मेरा बेटा भी गलत हो गया तो मैं फिर उसके भी अगेंस्ट हो गई। और इससे पहले मैंने निम्रत को समझाया इसी के लिए, उसने गलत किया है वो मैं कर चुकी हूँ ऐसा, पहले उसको बोल चुकी हूँ। उसके बाद भी एक बात के पीछे पीछे नहीं पड़, जब जो होना तो हो गया, संजोत कौर का ऐसा मानना है। अच्छा, इतना भड़के हुए हैं कि मान ही नहीं रहे, उन दोनों जन के बीच में आस्था आ गई है बचाने के लिए उसके बाद? हाँ, आस्था हुआ। और हम मतलब संजोत कौर ने डिसाइड किया है कि घर में कुछ भी अगर औरतों के साथ गलत होगा तो हम सब एक हो जाएंगे, क्योंकि आदमी जो हैं अपनी ज़िद्दी होते हैं। मान भी ज़िद्दी हो चुका है, असरदार जी तो पहले से अकड़ू है, ज़िद्दी हैं, कोई बात मानते नहीं हैं। तो पहले संजोत कौर को इतना तंग करते, अब बेटा आया तो उसके भी पीछे पड़ गए, पोती आई थी उसके भी पीछे पड़ गए, अब सरदार जी की तो बिल्कुल ही। तो उसमें आस्था के साथ मिल के हम ये डिसाइड करते हैं कि जिसके साथ भी किसी भी औरत के साथ गलत होगा तो ये उसके साथ खड़ी होगी। चाहते थे फैंस के लिए? मैं फैंस के लिए ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, खैर मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सच में कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप लोगों के बहुत दिल के करीब होगी, तो आप प्लीज़ देखें, आप हमें कमेंट्स दें, आपकी कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, अच्छा लगता है। और जब लोग मुझे कहते हैं, ख़ासतौर से मुझे कहते हैं कि आप संजोत कौर अच्छा कर रही हैं, तो क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ, आप अगर आप नहीं पसंद करेंगे तो हम कुछ नहीं, हम ज़ीरो हैं। तो आप प्लीज़ हमें पसंद करते रहें, हमें देखते रहें, ताकि हमारा हौसला इसी तरीके से बना रहे। आप देखिए 7:30 बजे दिल दिया गल्ला सोनी सा। इससे पहले कि मैं और पागल हो जाऊं तो अटैची पैक कर और जाए यहां से। अभी तो क्या कर रहा हूं? अब मैं वो 10 साल का बच्चा राणा नहीं हूं। मैं जो कर रहा हूं मैं ठीक कर रहा हूं। हरकतें तो तू उससे भी छोटे बच्चों वाली कर रहा है। हां, तू क्या सोचा? यही सिखाया था मैंने, घर की बहू बेटियों का मजाक उड़ाते हैं। हां, साडे कोल भी दिल है, सानू भी दुख तकलीफ होती है, कितना भी समझा लो पर करनी तुम लोगों ने अपनी मनमानी है। तू बेटा अपने डैडी जी के ऊपर गया? हाँ जी गया हूँ, मैं हूँ जी एक नंबर का टीट। और मुझे ना इस बात का कोई अफसोस नहीं है, और मेरे लिए ना कई बार यही काम ज्यादा आता है। और तू क्या हमारी बातें सुन रही है? मेरी बीजी की बात है, तू टैची पैक कर और निकल यहां से।
बीजी बचा लेगी, अब कोई नहीं बचा सकेगा आज तेरे को। तेरे को जो बात मुंह से हो सकती है उसके लिए हाथ इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? प्लीज स्टॉप दिस। वो लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते प्रजा जी। बस भी कर दे। और ठीक है जी, कर देता हूँ बस। पर तेरे लिए मैं टैक्सी करवा के आ रहा हूँ, तू टैक्सी बांध अपना। मैं सॉरी प्रजा जी, मुझे मुझे इनसे बचा लो, मैं मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे कहीं। आप तैयार हैं मिसेस दिलप्रीत ब्रार? मिसेस मनदीप ब्रार? हाँ जी। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.